दोस्तों, अगर आप भी एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो आपको पता होगा, और मैं आपको एक यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हो तो आप व्हाट्सएप को प्ले स्टोर पर जाकर डे टू डे आप उसको अपडेट चेक करिए कि उसका अपडेट कोई आया नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, शेयरिंग प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इसको बोल सकते हो। तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए। अपडेट करने से बेनिफिट ये होगा, कोई फीचर, कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप उसको यूज़ कर पाओगे। जैसे कि मेरे केस में, मैं हमेशा अपडेट करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे कुछ प्राइवेसी सेटिंग का एक फीचर मिला है, जो कि अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ बंदे को मिला होगा, बाकी लोग अभी भी इस फीचर से अनजान है। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कैसा कौन सा प्राइवेसी है जो कि मुझे भी मिल सके, और मिले तो आप इसको इजीली यूज़ कर पाओ। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज मोटिवेशन ही मिलता है इस तरह कंटेंट क्रिएट करने के लिए। बात करते हैं प्रोसेस की, चलते हैं सीधे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। दोस्तों, जो प्राइवेसी सेटिंग अभी अपडेट के बाद चेंज हुआ है वो क्या है, आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखना। सबसे पहले तो मैं थ्री डॉट पर टैप करूंगा एंड यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद ये चीज़ आपने डिवाइस में कर लेना, उसमें सेम प्रोसेस आपको दिखने को मिलेगा। प्राइवेसी पर टैप करेंगे, जैसे यहाँ आपको ऊपर मिलेगा एक पॉपअप मैसेज, आप इसको बोल सकते हो प्राइवेसी चेकअप, ठीक है। आप नीचे मिलेगा स्टार्ट चेकअप, इस पर जस्ट टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर एंड ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है शूज हु कैन कॉन्टेक्ट यू, इस पर जस्ट टैप करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है ग्रुप, सेकंड ऑप्शन साइलेंस और नॉन कलर्स, और थर्ड ऑप्शन से ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट। बात करते हैं ग्रुप से, उसके बाद बात करेंगे इस दोनों ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। ग्रुप पर जैसे आप टैप करते हो तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा आपको कोई पर्सन ग्रुप में फालतू के ऐड कर लेते हैं, और गंदे गंदे ग्रुप ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाते हैं जो कि फालतू का मैसेज आते रहता है। अगर आप चाह रहे हो इस सारे ग्रुप में ऐड होने से बच सके, तो इनमें से आप इस ट्रिक को यूज में ले लेना। जैसा कि अगर आप एवरीवन पर सेलेक्ट करके रखोगे तो कोई पर्सन आप ग्रुप में ऐड कर सकता है। सेकेंड वाला ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट, इस पर टाइप करोगे तो सिर्फ वही लोग आपको ग्रुप में ऐड करेंगे जो लोग आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट में सेव हैं। एंड थर्ड वाला है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड, इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो जिसको परमिशन दोगे सिर्फ वही आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन। अब बढ़ते हैं सेकेंड ऑप्शन क्या है। देखिए साइलेंस और नॉन कॉलर, इस पर टाइप करोगे और देखिए मेरा इनेबल है। अगर आप चाह रहे हो कि जो नंबर मेरे कॉन्टैक्ट में और सेव है उससे कॉल आए तो मुझे पता चले, लेकिन अननोन नंबर से अगर कॉल आए तो मुझे पता ना चले, तो आप इसको यहाँ से इनेबल कर लेना। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, बट आपको मैनुअली इसको यहाँ से ऑन करना होगा। जब ऑन कर लोगे, कोई भी बिना सेव किए नंबर, बिना अननोन नंबर से कॉल आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा बट रिंग नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाला है ब्लॉक कॉन्टैक्ट, इस पर टाइप करोगे तो फ्रेंड्स, कई बार ये होता है कि हम किसी को ब्लॉक तो कर लेते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने किस किस नंबर को ब्लॉक किया है। तो आप इस ऑप्शन पर जैसे टैप करोगे तो जितने ही ब्लॉक लिस्ट में नंबर आपने ऐड किया होगा, डाला होगा, यहाँ पर सारे ब्लॉक लिस्ट नंबर शो हो जाएंगे। उनमें से किसी को अगर आप अनब्लॉक करना चाहते हो तो अनब्लॉक कर सकते हो। अगर मान लीजिए किसी को इसमें ब्लॉक में ऐड करना है तो इस प्लस वाला आइकन पर टैप करके अपने किसी भी यूजर्स को या किसी भी पर्सन को यहाँ पर ऐड करोगे तो ब्लॉक लिस्ट में यहाँ से ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल करेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आप इसको यहां से पता कर लेना कि कितने ब्लॉक नंबर है, किसको आपको अनब्लॉक करना है, ठीक है। अभी हो गया तीनों ऑप्शंस को, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ग्रुप, साइलेंस और ब्लॉक, ठीक है। अब यहां पे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि कंट्रोल योर पर्सनल इन्फो, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज आने वाला है। इस पर जस्ट टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस मिल रहे हैं, जो कि पहला है प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन रीड रिसिप्ट। तीनों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बस इस वीडियो को कंप्लीट देखना। फर्स्ट ऑप्शन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रोफाइल फोटो क्या है। इस पर जैसे फ्रेंड्स आप टाइप करोगे, यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बात करते हैं एवरीवन। एवरीवन फ्रेंड्स तब काम करता है, जैसे कि मान लीजिए अपने प्रोफाइल पे कोई डीपी को सेट किया और आप एवरीवन पर सेलेक्ट करके रखोगे तो आपका डीपी कोई पर्सन देख सकता है, चाहे उस पर्सन का नंबर आपके डिवाइस में सेव हो या सेव नहीं भी हो। मतलब बोले तो सिंपली कोई भी पर्सन आपके डीपी को देख सकता है। सेकेंड वाला है माई कॉन्टैक्ट। माई कॉन्टैक्ट अगर आप सेलेक्ट करके रखते हो तो आपका डीपी सिर्फ वही लोग देखेंगे, आपका प्रोफाइल पिक्चर सिर्फ वही लोग को दिखने को मिलेगा जो लोगों का नंबर आपके कॉन्टैक्ट के अंदर सेव होगा। थर्ड वाला ऑप्शन है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड, ये इस ऑप्शन को आप यूज में लोगे तो जिसको परमिशन आप दोगे, सिर्फ जिसको परमिशन दोगे सिर्फ उसी को आपका डीपी देखने को मिलेगा, अदरवाइज कोई आपका डीपी नहीं देख सकता। लास्ट ऑप्शन से नोबडी, अगर आप नोबडी को सिलेक्ट करोगे चाहे वो नंबर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव हो या सेव नहीं भी हो, मतलब सिंपली बोलूँ तो किसी को आपका डीपी शो नहीं होगा, चाहे नंबर सेव हो या नंबर सेव नहीं हो, ये कोई मायने नहीं रखता। अब यहाँ से बैक कर लेते हैं।
अब सेकंड ऑप्शन से लास्ट सीन एंड ऑनलाइन। अगर आपके मन में कन्फ्यूज आ रहा होगा कि लास्ट सीन एंड ऑनलाइन क्या है, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं, आपने कभी देखा होगा जैसे किसी पर्सन के प्रोफाइल को हम ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर लास्ट सीन दिखाता है 3:30, 4:25, तो इससे पता चलता है कि 4 बजे ऑलमोस्ट वो ऑनलाइन था। अगर आप ये ऑनलाइन वाले ऑप्शंस को हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। जबकि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, एवरीवन मतलब ये है कि सभी को पता चलेगा कि आपने कब ऑनलाइन और कब ऑफलाइन हो गए थे। माय कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि जो नंबर आपके कॉन्टैक्ट में सेव है सिर्फ उसी लोगों को पता चलेगा कि आपने कब ऑनलाइन आया था, कितने टाइम ऑनलाइन आया था। थर्ड वाला ऑप्शन ये है कि माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्टेड, जिसको आप परमिशन दोगे सिर्फ उसी को पता चलेगा कि आपने कितने टाइम ऑनलाइन आया था। नोबडी को सिलेक्ट करोगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि आप कब ऑनलाइन और कितने टाइम ऑनलाइन आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रीड एंड रिसिप्ट क्या है। इस पर टाइप करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस होगा। देखिए फ्रेंड्स, रीड एंड रिसिप्ट यहाँ पे शो होगा, इसका मतलब ये होगा ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा, आप इसको ऑफ कर लोगे। ऑफ कर लेने के बाद अगर आप किसी को मैसेज सेंड करते हो, अगर ऑफ करने के बाद बात कर रहा हूँ, ऑन है तो उसके बाद नहीं, ऑफ अगर है और आप किसी को मैसेज सेंड करते हो तो सिर्फ डबल टिक लगेगा। जैसे वो मैसेज को देखेगा या ना देखे, मैं डबल टिक लग जाएगा डाटा ऑन करने के बाद। अब तो आप सभी को पता होगा, लेकिन पहले क्या होता था कि अगर हम इसको ऑफ नहीं करेंगे तो वहाँ पे ब्लू टिक शो होता था। ब्लू टिक से ये पता चलता था कि हमारे मैसेज को उन्होंने रीड कर लिया। लेकिन अगर आप इसको ऑफ कर लोगे तो ब्लू टिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका मैसेज को रीड किया या नहीं। एंड इसके साथ साथ अगर आप किसी के स्टेटस को भी देख लेते हो रीड रिसीट ऑप्शंस को बंद होने के बाद, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस को भी देखा या नहीं। ठीक है, तो ये ट्रिक इस तरीके से। एंड इसके साथ साथ ये होगा, जैसे कि मान लीजिए आप रीड एंड रिसीट वाले ऑप्शंस को इनेबल कर ऑफ कर लेते हो, तो अगर आप किसी के स्टेटस को देख भी लोगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा आपने उसका स्टेटस को देखा है। एंड अगर आपने स्टेटस को लगाया है और भी आपका स्टेटस देखेगा तो भी पता नहीं चलेगा आपको भी वो बंदा आपका स्टेटस को भी देखा है। मतलब ये दोनों तरीके से हाइड हो जाएगा, आपके तरफ से भी उसके तरफ से भी। तो रीड रिसीट को मैं ऑफ करके नहीं रखता हूँ, मैं इसको हमेशा ऑन करता हूँ। और आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से बैक हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राइवेसी का जो न्यू अपडेट था ये 3 ही था और तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ बताया गया है कि किस ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा न्यू प्राइवेसी सेटिंग कैसा है, कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो ज़्यादा से ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम बैठ गए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके का इंटरेस्टिंग और कमाल के वीडियो देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के यहीं पे एंड करने मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।